नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। मां आनंदी संस्था ने कुपेश्वर धाम मंदिर प्रांगण में जरूरतमंदों के बीच भोजन एवं वस्त्र का किया वितरण। मां आनंदी संस्था की ओर से आज कोतवाली चौक स्थित कुपेश्वर धाम मंदिर के प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था के सदस्यों ने भजन कीर्तन से की। तत्पश्चात संस्था के सभी सदस्यों के सहयोग से सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए एवं संस्था के उद्देश्यों का पालन करते हुए सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन, वस्त्र और बच्चों हेतु खेल सामग्री का वितरण किया गया। इसमें संस्था के कई सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आनंदी संस्था की ओर से कोतवाली चौक स्थित कुपेश्वर धाम मंदिर में हम लोग अपनी संस्था के सभी सदस्य सामाजिक दायित्वों को निर्वाह करते हुए और हमारी संस्था का जो उद्देश्य है उसका अनुपालन करते हुए आज कुछ यहाँ पर भोजन व वस्त्र का वितरण किया गया। मैं कहना चाहती हूँ, यदि पॉवर्टी रेट, यदि गरीबी स्तर देखा जाए तो डे बाय डे या तो वर्ल्ड बैंक रिकॉर्ड है या फिर और भी अन्य अनुशोध के अनुसार हम लोग ऐसा देखा जाता है कि जो पॉवर्टी रेट है हमारी गरीबी स्तर में काफी गिरावट आ रही है। बहुत खुशी की बात है। 2015-16 की बात ले लें या 19-21 की बात ले लें या अभी रिसेंटली देखें तो हमारे जो आंकड़ा दिखाई दिया जाता है ना, तो उसमें पॉवर्टी रेट काफी गिरावट आ रही है, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वो कुछ और है। क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, जब हमारी क्योंकि हमारी पब्लिक कनेक्टिविटी डेली होती है तो जब मैं लोगों से मिलती हूँ और जब लोगों से बात करती हूँ तो उस समय का परिदृश्य और जब अपने आसपास इर्द गिर्द देखती हूँ तो वो दोनों परिदृश्य जो वो आंकड़ा होता है और जो हम लोग साक्षात्कार देखते हैं तो दोनों में काफी डिफरेंस नजर आता है और मन व्यथित सा हो जाता है। और लेकिन एक तो जो फाइनेंशियली वीक होते हैं और दूसरी पॉवर्टी जो कि मानसिक तौर से लोग गरीब होते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मानसिक तौर पे गरीब कौन लोग होते हैं, क्योंकि हमारी एक और योजना चलती है बेगस एम्प्लॉयमेंट योजना, जिसके तहत हम लोग जो भी बेगस होते हैं ना उनके साथ वन टू वन कनेक्ट होते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं। तो आफ्टर सर्वे हम लोगों को जो मालूम होता है वो
ये होता है कि हमारे पिताजी कर रहे हैं या हमारे चाचा जी कर रहे हैं या हमारे दादाजी कर रहे हैं तो हम भी यही कार्य करेंगे। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने का एक हम लोगों को ये दायित्व तो बनता है जो हम लोग भी कुछ न कुछ जो हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन है, हमारी आर्थिक स्थिति है हमारी कंट्री की, उसमें हम लोग भी हेल्प करें। और वो हेल्प कैसे करें, इकोनॉमिकली कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए पॉवर्टी गरीबी को दूर करनी होगी। और गरीबी दूर करने के लिए जरूरी है अवेयरनेस। जितना फाइनेंशियली कंडीशन को इम्प्रूव करेंगे हमें लगता है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं हमारे जो मानसिक तौर पे जो लोग गरीब हैं उनको भी अवेयर कराने की जरूरत है। अपने बच्चों का जो है शिक्षा समुचित विकास कर पाएंगे और हमारा देश विकासशील से विकसित होगा। मैं कहती हूँ, लास्टली मैं ये कहना चाहती हूँ, मेहनत करने से जो होता है गरीबी दूर होता है और पाप जो होता है दान करने से पाप दूर होता है। तो मेहनत करते रहिए और दान करते रहिए। धन्यवाद। मैं प्रिया।